Ethical issues talk about many important topics, and the competence of the test users is another important area which is included into it. The competence of test user is as important as the test itself. A competent test user will use test appropriately, professionally, and in a very ethical manner. So this is very important. The test should be done in regard to all these three aspects very vigilantly and it should be done into a very ethical manner the test user will pay due regard to the needs and right of those involved in the testing process you know there are many people who are involved in testing process and one should give the due regard to all of them who are involved in that very process the reasons for testing and the broader context in which test is being taken place एट टाइम्स हम एक स्पेसिफिक टेस्ट जो है वो किसी डायग्नोसिस के पर्पज़ से कर रहे हैं तो वी नीड टू सी डेट वट स्पेसिफिक प्रोटोकोल्स शुड बी टेकन केयर ऑफ हम एक टेस्ट जो है वो एक बहुत ही सेंसिटिव रिपोर्ट जनरेट करने के लिए कर रहे हैं जो तो शायद फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को रिक्वायर तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा एथिकल ऑब्लीगेस बढ़ जाती है कि टेस्ट के, के यूज़ करते वक्त तमाम प्रोटोकॉल्स जो हैं वो ड्यूली फॉलो किए जाएं ताकि मिनिमम चांस ऑफ एरर जो है वो रह जाए ताकि हमारी रिपोर्ट बिल्कुल वैलिड और एक्यूरेट हो। सो द कंटेस्ट द आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज़ वेरी वेरी असेंशियल एंड इट्स वेरी हाईली रिकमेंडेड इन एथिकल साइकोलॉजी टू बी फोकस्ड ऑन अवॉइडिंग एर इन स्कोरिंग एंड रिकॉर्डिंग इट शुड नॉट बी अजुअल टास्क कि आपने इसको कोई और काम करते हुए साइड बाय साइड स्कोर कर लिया या इसको नंबर्स असाइन कर दिए या कोड असाइन कर दिए नो वी कांट डू दैट बिकॉज दिस इज़ समथिंग विच इज़ गोइंग टू बी यूज फॉर अ वेरी स्पेशल पर्पज़ हम इससे किसी को कोई डायग्नोसिस दे रहे हैं हम इससे किसी की कोई असेसमेंट कर रहे हैं हम किसी का आई क्यू लेवल डिटर्मिन हैं किसी की कोई डिजीज़ स्पेसिफाई कर रहे हैं प्रॉबेबली हम उस डिजीज़ का कोई लेवल असेस कर रहे हैं कि ये माइल्ड लर्निंग प्रॉब्लम है मॉडरेट लर्निंग प्रॉब्लम है और वट एवर इट कुड बी सो इट शुड बी वेरी विजिलेंट और इसकी स्कोरिंग बहुत ध्यान से करना बहुत ज़रूरी है कीपिंग स्कोरिंग कीज एंड टेस्ट मटीरियल सिक्योर स्कोरिंग कीज को सिक्योर रखना और टेस्ट मटेरियल को सिक्योर रखना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर किसी किस्म का कोई चेंज ना आ जाए इसमें से कोई चीज़ मिसप्लेस ना हो जाए आ, कुछ आइटम्स एक पेज नंबर थ्री पे लिखे हैं एलै से और वो आपसे मिसप्लेस हो गया और वह आइटम स्किप हो गए और टोटल स्कोरिंग में वो जीरो प्रोड्यूस करें हैं स्कोर और जो आपका रिजल्ट है वो इनवैलिड हो गया है बिकॉज ऑफ दैट वन मिसिंग टैम्पलेट सो दीज आर द वेरी माइनर थिंग विच नीड टू बी टेकन केयर प्रॉपरली और इनके uh, बहुत माइल्ड सी अगर नेग्लिजेंस हो जाती है तो उसका इम्पैक्ट टेस्ट पर बहुत नेगेटिव हो सकता है डिफ्रेनिंग फ्रॉम लेबलिंग पीपल विद पर्सनली डरोगेटरी टर्म्स लाइक इन द रिजल्ट ऑफ दिस टेस्ट दिस पर्सन सीम्स टू बी वेरी डिसऑनेस्ट एंड दिस पर्सन सीम्स टू बी विद वन स्पेसिफिक डिसऑर्डर एंड अनदर

लाइक like, अगर हमारा रूम एडिक्यूट है अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है सीटिंग पोस्टर्स जो हैं वो कम्फर्टेबल हैं तो वहाँ पर लोग बहुत आराम से अपना टेस्ट जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं विलिंगनेस टू गिव इंटरपटेशन एंड गाइडेंस टू द टेस्ट टेकर इन काउंसलिंग सिचुएशन अगर कोई बहुत पैनिक में है तो वहाँ पर उसको थोड़ी सी काउंसलिंग प्रोवाइड की जा सकती है उसको टेस्ट का पर्पज बता के थोड़ा सा काम करके और उसके बाद दोबारा उससे टेस्ट करवाया जा सकता है रिफ्रेनिंग फ्रॉम यूजिंग होम मेड आंसर शीट्स डेट डू नॉट अलाइन प्रॉपरली विद स्कोरिंग कीज बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं जिनके लिए ऑलरेडी डिवेलप स्कोरिंग कीज यूज़ हो रही होती हैं और वो एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड टैम्पलेट्स होती हैं अगर हम उनको यूज़ नहीं करते उसकी ल्यू में हम होम मेड टैम्पलेट्स यूज कर लेते हैं जैसे बहुत सारे पर्सनैलिटी टेस्ट जो हैं उसमें हम लोग स्कोरिंग करते वक्त स्पेसिफिक स्कोरिंग कार्ड यूज करते हैं तो वहाँ पर स्कोरिंग की मिस इंटरप्रटेशन का खतरा हो सकता है

तो वहाँ पर थोड़ा सा देखना जरूरी होता है कि हमने कितनी उनको गाइडेंस प्रोवाइड करनी है जितनी हमें मैनुअल जो है वो परमिट है रिफ्रेनिंग फ्रॉम कोचिंग और ट्रेनिंग इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑन टेस्ट आइटम्स लाइक आप उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि इस टेस्ट आइटम का पर्टिकुलर फॉर असेसमेंट क्या होगा इट शुड बी जनरली गिवन इंस्ट्रक्शन और उसके बाद वो इंडिविजुअली उसको सॉल्व करेंगे विद टू मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ परसन एबिलिटी एंड कॉम्पिटेंस लाइक अगर हम किसी को कहते हैं कि स्पेसिफिक आइटम जो है ये आपके चैरिटेबल बिहेवियर को देख रहा है रादर देन याइफ स्टाइल तो मे बी आर गोइंग टू गिव इट अगर आप उनको ये इंस्ट्रक्शन ना दें तो जितना मैनुअल परमिट करें यू आर नॉट सपोज टू गो बिय नॉम फॉर वन जॉब अपलाईज एंड नॉट इज यूमि ग्रुप्स जब एक टेस्ट बन जाता है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड उसके जो नॉम्स हैं उसके जो रेफरेंट नॉम्स हैं वो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली डिफरेंट होते हैं जैसे फॉर इंस्टेंस अगर हम बात करते हैं सेल्फ uh, स्टीम के रोजनबक स्केल की तो उसकी जो ओवरऑल एवरेज वैल्यू हम देखते हैं वो पाकिस्तानी पॉपुलेशन इंडिया एंड साउथ एशिया के दूसरे कंट्रीज़ के लिए लेसर है एज़ कम्पेयर टू डेवलप इन वेस्टर्न कंट्रीज़ तो इसी तरह रेफरेंस नॉर्म्स जो हैं वो भी डिफरेंस हो सकते हैं अक्रॉस द पॉपूलेशन ग्रुप तो दिस इज़ सम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद रेफरेंस टू देंस ऑफ टेस्ट यूजर